तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट पिछले एक साल से, थोड़ा सा जो जॉब्स को लेके जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और लोग जो है वो खासकर आईटी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं वो थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि आजकल जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जो खासकर जो बेंच पे हैं या जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है। हायरिंग भी जो है वो थोड़ा सा अभी फ्रीज़ है, तो नए लोगों को हायर नहीं किया जा रहा है और पुराने लोगों को निकाला जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग ऑलरेडी अपने जॉब को लेके टेंशन में हैं, वहाँ पे आपके साथ हो सकता है स्कैम। जी हाँ, स्कैम 2023। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जॉब भी सर्च करते हैं तो उसके लिए भी आप जॉब पोर्टल्स पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या बहुत सारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर रिक्रूटर्स भी ज्वाइन करते हैं और वो जॉब ऑफर करते हैं या फिर रेफ़र कर सकते हैं आपको। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या जो लोग जॉब ऑफर कर रहे हैं वो भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उसी का फ़ायदा ये स्कैमस्टर्स उठाते हैं। तो वो स्कैम कैसा होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप अगर सोशल मीडिया पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, तो आपने भी बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग को लेके या जॉब को लेके। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपने जॉब रिलेटेड ग्रुप सर्च किए होंगे और आपने ज्वाइन किया होगा जिससे आपको कोई रेफर कर दे। अब हम बात करते हैं कि ये स्कैम होता कैसे। तो होता क्या है कि आप जैसे जॉब पोर्टल्स पे जाते हैं, आप वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट, अपना रिज्यूमे डालते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं कि कोई भी रिक्रूटर होगा तो वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इंटरनेट पे जो भी अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं रहता है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं, बहुत सारे जो साइट्स हैं वो आपका डेटा जो है एक्चुअली बेचते भी हैं। जी हाँ, आपका डेटा जो है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर जो आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर डालते हैं वो आपका अब पर्सनल नहीं रह गया है, क्योंकि वो डेटा आपका, वो डेटा ये साइट्स जो हैं वो बेचती हैं कंपनीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं या फिर जो भी वो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज़ हैं या जॉब सर्च है या जो भी है, वहाँ पे ये आपका डेटा जो है वो बेचा जाता है कंपनीज़ को। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस सर्च किया और तुरंत ही आपको 3-4 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के फ़ोन आने लग जाते हैं। तो वो नंबर आपका वो नंबर कैसे उनके पास आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपने गूगल पे सर्च किया और गूगल में कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट से या कहीं ना कहीं से वो लोग आपका डेटा निकाल लेते हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर होता है, जिसमें आपका ईमेल होता है, और ऐसे उनके पास वो डेटा चला जाता है। तो अब ये जॉब को लेके स्कैम कैसे किया जाता है। आपने naukri.com पे प्रोफाइल बनाया, आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया, आपने फेसबुक पे कोई जॉब ग्रुप जो है, जॉब सर्चिंग ग्रुप या जो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला ग्रुप जो है वो आपने ज्वाइन किया, वहाँ पर आपने एक पोस्ट डाल दिया जहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है एंड आई एम सर्चिंग फॉर दिस जॉब, प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ रिफर मी इफ़ यू कैन। ठीक है, अब ये आपने जॉब डाल दिया और फिर अचानक से आपके पास कॉल आता है। आपके पास कॉल आएगा, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आ सकता है या फिर आपको कोई ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में या कहीं पर भी आपको कोई अननोन इंडिविजुअल आपको इंटरेक्ट कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, वो बोल सकते हैं कि उनके पास जो है ओपनिंग है या वो रेफर कर सकते हैं आपको। तो आपको उनको कुछ तो पे करना पड़ेगा।
ठीक है। मैंने जैसे देखा है कि जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई कर रहा था तो बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं या बहुत सारी थर्ड पार्टी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो जो आपको जब मेल आता है उनका, जब जॉब के लिए मेल आता है तो वो डालते हैं मेल सब्जेक्ट ऐसा डालता है हायरिंग फॉर दिस कंपनी, एंड दिस कंपनी मीन्स बिग कंपनीज, बिग आईटी कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, हायरिंग फॉर दिस। एंड मेल का जो टॉपिक होता है, जो बॉडी होती है, उसमें वो लिखते हैं वी आर दिस कंपनी इज़ आवर क्लाइंट एंड वी आर हायरिंग फॉर दिस। ठीक है। अब कई बार जो होता है कि ये कंपनीज जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये कंपनीज फ्रॉड भी होते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम कंसल्टेंसी हैं या फिर ये कंपनी जो है हमारी क्लाइंट है और हम इनके लिए जो है रिक्रूटमेंट हैंडल करते हैं। ठीक है। और यहाँ तक ठीक है, अगर वो आपसे इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, आप इंटरव्यू दे दीजिए, ठीक है, वो सब हो जाता है, अगर यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद अगर वो जैसे फिर आपको जो मेन कंपनी है जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं उसके किसी एचआर से या उसके किसी मैनेजर से किसी से भी आपका इंटरेक्शन कराएंगे, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन आगे आगे जब जहाँ पे आपको वो ये लगे कि फिर आगे अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं या फिर वो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ओके अब अगर आपको ये जॉब ज्वाइन करना है तो आपको हमें जो है 1 मंथ का सैलरी और इतना जो है वो आपको हमें पे करना पड़ेगा, तभी जो है हम आपका जो है पोजीशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है जेन्युइन नहीं है और ये को हो सकता है कि ये आपको स्कैम करने की एक कोशिश हो। ठीक है। क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी या मोस्टली 99% कंसल्टेंसी जो हैं वो आपसे जॉब के लिए पैसे नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी टाई अप होता है कंपनी से। सो उनका एम्प्लॉयज़ के साथ कोई ऐसा पैसा का लेना देना नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अगर कोई कंसल्टेंसी आपसे पैसे मांग रही है तो आप सावधान हो जाइए, आप बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए और आप किसी भी तरह से कोई बहाना बना के आप कट ऑफ कर दीजिए। एक जॉब रिलेटेड ग्रुप था वो मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे कई बार आप जब देखेंगे कि बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस, तो बहुत सारे कुछ कुछ इंडिविजुअल आपको कमेंट्स दिखेंगे वहाँ पे, वो बोलेंगे कि आई कैन ऑफर यू बी डी ई। ठीक है। बी डी ई इज़ लाइक बैक डोर एंट्री। ओके। कई बार वो ओपनली बोलते हैं आई कैन ऑफर यू बैक डोर एंट्री बट यू हैव टू पे मी दिस एंड दिस, या फिर वो बोलते हैं डीएम मी एंड फिर वो डीएम में वो बोलते हैं कि दिस इज़ अ बैक डोर एंट्री एंड आई कैन ऑफर यू दिस एंड दिस बट यू हैव टू पे मी इतना इतना अमाउंट। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बच के रहिए क्योंकि ऐसे में कोई गारंटी नहीं होती है। आप बहुत ज़रूरत है आपको जॉब की और आप बिल्कुल एकदम परेशान हो रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम से जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी चीज़ों में ऐसे ट्रैप में फंसना नहीं है क्योंकि ये जो आपको बैकडोर एंट्री करा रहे हैं इसका आगे चल के कोई गारंटी नहीं है कि वो जॉब क्या होगा, कैसा होगा और क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगा। तो जब तक आप श्योर ना हो कि आपके पास ऑफर लेटर या फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर ना हो तब तक आपको किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी पर्सन को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। ओके। दिस इज़ अ स्कैम। मैं अपने साथ हुआ एक स्कैम आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। तो मैं जब जॉब सर्च कर रहा था तो एक दिन मुझे व्हाट्सएप पे एक पिंग आया, और पिंग आया तो मैंने अननोन नंबर था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने ऐसा देखा तो जो नंबर है वो स्टार्टिंग है +84 से। सो आई गॉट एन आइडिया कि ये कुछ तो मतलब फेक या फिर स्पैम स्पैम मैसेज है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। दोपहर को 2 बजे कुछ तो वो ऐसे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो फिर बाद में मैंने देखा, तो शाम को मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि आई एम दिस पर्सन, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि शी इज़ फ्रॉम सिंगापुर एचआर। ओके। सिंगापुर एचआर से हैं एंड शी इज़ आस्किंग मी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। सो ये उन्होंने सुबह दोपहर में मैसेज किया था एंड आई रेड इट ऑन इन द इवनिंग। सो मैंने उस टाइम रिप्लाई किया, मैंने कहा कि मुझे पता तो चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है
क्योंकि प्लस 84 से है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर भी देखते हैं। तो प्लस 84 से था तो मैंने रिप्लाई किया हाय यस, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मैंने कहा एक बार देखते तो हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अपना वो है वो जो ये डिस्क्रिप्शन है वो रखना स्टार्ट किया कि ये जो है कंपनीज है जहाँ पे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग हेल्प करते हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो इनको पे करते हैं और ये हमें जॉब देंगे उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, और उसके लिए ये वो इनको पे करते हैं और ये हमें पे करेंगे। मुझे अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा था कि हाँ ये कुछ तो मतलब मेरा नंबर जो है किसी स्कैमस्टर्स के पास चला गया है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आगे और देखते हैं। और फिर उन्होंने वो सैलरी वगैरह का कुछ बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द रोल और इसका जो भी डिटेल जॉब का क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ जो है वो टेस्ट टास्क करना पड़ेगा और ये आपको मतलब उसका कमीशन मिलेगा। उन्होंने कुछ तो एक यूट्यूब का लिंक दिया, जो मैंने यूट्यूब का लिंक खोल के देखा तो वो नॉर्मल कोई चैनल था जिनके कुछ सब्सक्राइबर्स थे, 1000 वगैरह कुछ सब्सक्राइबर थे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इनको जो है आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है। तो मतलब आप अब आप उसमें लिखा है कि आपको हर टास्क का आप जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसका आपको जो है 100 रुपी कमीशन मिलेगा। तो नॉर्मली कोई भी सोचेगा कि यार सब्सक्राइब ही तो करना है, बाकी कुछ गड़बड़ होगा तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने पहले वो यूट्यूब का लिंक खोला, ठीक है, तो नॉर्मल कोई चैनल था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर मुझे जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये कोई स्कैम हो सकता है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है फिर भी इसको इंटरटेन करके देखते हैं आगे कि आगे ये क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने उसने जब मुझे ये बताया कि आपको ये करना है सब्सक्राइब करना है और आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसको पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने बताया शी इज़ फ्रॉम वियतनाम। एंड जबकि उसने जो इंट्रोडक्शन दिया था शी सेड कि शी इज़ सिंगापुर एचआर। तो मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया बट यू सेड यू आर फ्रॉम सिंगापुर, तो उसने बोला कि उसका जो ऑफिस है जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है, कंपनी जो है वो सिंगापुर की है, बट जो उनका जो वो जो है वो वियतनाम है और वियतनाम में उनका ऑफिस है। तब मैंने क्या किया कि मैंने जो उसने उसने फिर मुझे कंपनी का यूआरएल भी दिया, ठीक है। ये देखिए आप, उसने मुझे कंपनी का यहाँ पे यूआरएल दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सीधा गया लिंकडिन पे और मैंने गूगल पे भी मैंने वो यूआरएल टाइप किया तो उसमें उसका कंपनी का डिटेल आया, और मैं गया लिंकडिन पे मैंने वो कंपनी को सर्च किया, ठीक है। कंपनी में वहाँ पे अबाउट में आपको सारा दिख जाता है कि वहाँ कहाँ कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, वो सब आपको दिख जाता है। वहाँ पे मैंने सर्च किया, वहाँ पे वियतनाम का कहीं पे भी नाम नहीं था, ठीक है। अब मेरा डाउट जो है वो 100% कन्फर्म हो गया कि भाई ये तो मतलब है ना स्कैम करने के चक्कर में है। और जब लिंक्डइन से मुझे ये कन्फर्म हो गया और जो वेबसाइट तो उन्होंने दिया था उससे भी मुझे कन्फर्म हो गया कि वियतनाम में उनका कोई ऑफिस नहीं है, तो फिर मैंने उसको इन्फॉर्म किया। मैंने कहा कि देर इज़ नो ऑफिस लोकेशन इन वियतनाम फॉर दिस कंपनी, सो शी गॉट बिट केयरफुल एंड शी आज डू यू वर्क फॉर दिस कंपनी एंड आर यू हियर इन वियतनाम विद अस। तो मैंने कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इंटीग्रिटी में, जो कंपनी का उसने नाम लिया था, मैंने कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं एंड आई नो इट, सो देर इज़ नो लोकेशन वियतनाम फॉर दिस कंपनी, ओके। सो मतलब उसको थोड़ा सा समझ में आ गया था कि उसका जो है यहाँ पे स्कैम जो है वो पकड़ा गया है। तो शी स्टार्टेड कि डू यू नो व्हेन वी स्टार्टेड आवर कंपनी एंड हाँ सच ए लायर प्रूव इट। तो मैंने उसको अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्कैम करने वाले क्या होते हैं ना कि वो पहले बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं जब तक उनको ये लगता है कि आप उनकी बातों पे बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही उनको अगर आपने उनका स्कैम पकड़ लिया और जैसे ही आप खेलने पे आते हैं, ठीक है, आप खेलने पे आए और आपने आपने उस उनका स्कैम पकड़ लिया, देन यू स्टार्ट प्लेइंग ओके देयर गेम, जो गेम वो खेल रहे थे अब आप उनका गेम उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा सा फिर समझ में आ जाता है और वो केयरफुल हो जाते हैं। तो फिर वो आपके ऊपर डालते हैं कि वो एंग्री हो जाएंगे या फिर वो किससे ऐसा रिएक्शन देंगे। सो शी सेड
सच्चे लायर और प्रूव इट। तो मैंने उसके ऊपर गुगली फेंकी। मैंने उसको बोला कि आई एम फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, और मैंने कहा कि डोंट टेल लाई टू मी ट्राइंग टू कॉन मी, आई एम फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी करके। और फिर उसके बाद उसके रिप्लाई आना बंद। फिर उसके बाद उसने व्हाट्सएप जो है क्या पता उसने मतलब मेरे को ब्लॉक किया या क्या क्या, ब्लॉक तो नहीं किया क्योंकि मैसेज डिलीवर्ड हुए हैं, लेकिन फिर उसके मैसेजेस आना बंद, एंड आई आस्क व्हाट हैपन करके, एंड शी डिसअपियर्ड। मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उसके बाद इंटीग्रिटी जो लिंक्डइन पे जो जो कंपनी इन्होंने बताया था, जिस ये स्कैमस्टर ने जो कंपनी बताया था, उस कंपनी को मैंने लिंक्डइन पे मैसेज किया। ये मैसेज देखिए, ठीक है, मैंने उनको मैसेज किया और उनको सारे स्क्रीनशॉट दिखाए व्हाट्सएप के जो उसने मुझे मैसेज किए थे, और जो उसने बोला था कि शी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। तो मैंने उनको सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे और उनको इन्फॉर्म किया कि आपकी कोई एम्प्लॉय है क्या इस नाम की, एंड इफ़ शी इज़ देयर शी इज़ ऑफरिंग मी अ जॉब लाइक दिस, सो आर यू ऑथराइजिंग दिस जॉब। तो फिर उनका रिप्लाई आई है, देखिए उनका रिप्लाई आ गया, एंड दैट प्रूव्स दैट वॉज अ स्कैम। सो ऐसे फिर मैंने बाद में जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जहाँ पे ये आपको बोलते हैं कि आप YouTube पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियोस लाइक करते जाइए और लूप में प्ले करते जाइए, उसका हर हर उसका आपको जो है 100 रुपीज़ या ऐसा कुछ तो आपको अमाउंट बताएंगे, ठीक है। और आपको पता है कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये इनिशियली आपको पैसे देते हैं। यस, ये लोग आपको पैसे देते हैं जब आप शुरू शुरू में जब टास्क करेंगे तो ये आपको देंगे, जो जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होगा वैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और फिर ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वो टास्क बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है ना कि अच्छा, घर बैठे से हमको सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है, स्क्रीनशॉट ही लेना है और उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। तो वो धीरे धीरे आपको भी है ना वो अच्छा लगने लग जाता है, और आपको लगता है कि अरे वाह, इतना अच्छा मतलब पैसे आ रहे हैं घर बैठे, जॉब नहीं है लेकिन फिर भी एक फाइनेंशियल इनकम तो हो रही है। तो आप भी फिर उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हो। और फिर क्या होता है कि फिर ये एक टीम बनाते हैं जहाँ पे अननोन इंडिविजुअल्स जो अलग अलग लोकेशन के लोग हैं, आप ही जैसे कुछ लोग होंगे, उनको ये एक टीम बना देंगे और आप सबको मिलके पूरी टीम को एक टास्क देंगे। अब उसमें क्या होगा ना कि उसमें ये बोलेंगे कि आपको कुछ तो मनी इन्वेस्ट करनी है, ठीक है, और अगर पूरी टीम ने वो टास्क कंप्लीट किया तभी आपको जो है वो जो फाइनल जो अमाउंट होगा वो मिलेगा। अगर पूरी टीम में से किसी एक बंदे ने भी वो टास्क कंप्लीट नहीं किया तो किसी को भी वो पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसा करके ये लोग है ना धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके टास्क होते हैं, कभी कभी ये बोलेंगे, हो सकता है ये बोलें कि 1 घंटे में आपको वो वीडियो 20 बार चलाना है, या ऐसा कुछ तो भी बोल सकते हैं, लूप में चलाना है, इतने डिवाइसेस पे चलाना है, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये मैंने देखा और ये बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर डाला भी है कि शुरू शुरू में उनको पैसे मिलते गए, फिर उनकी टीम बनाई गई, और टीम बनाने के बाद उनको जो है टास्क दिए जाते थे, और फिर अगर टीम का कोई भी मेंबर एक भी अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं होता था तो पूरी टीम के पैसे जाते थे। वो टीम के पैसे कहाँ गए, ऑब्वियसली इन लोगों के पास गए, क्योंकि आपने पैसे डाले हैं यहाँ पे, शुरू में ये आपको पैसे दे रहे हैं और फिर ये आपसे पैसे डलवाते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आपने टास्क कंप्लीट किया तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन पूरी टीम को टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, यहाँ तक कि 5-5 लाख तक लोग जो है वो ऐसे ऐसे स्कैम की वजह से अपना खो चुके हैं। तो इस तरह के स्कैम जो है वो होते हैं जहाँ पे आपको फेक फेक तरह के ये जॉब दिए जाते हैं, फेक तरह का जो है, और कई बार जो कंसल्टेंसी होती है वो फेक ऑफर लेटर आपको देते हैं, फेक आपको इंटरव्यूज भी फेक होते हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या अपना मतलब आप ऑब्वियसली जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब सर्च में आप इतना भी मतलब एकदम ऐसे कैजुअल मत हो जाइए कि आपको जॉब कहीं पे ऑफर मिल रहा है और ये लोग बड़े मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, आपको बड़ा ऐसा फील करवाएंगे कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर योर टैलेंट, वो आपको स्कैम करने के लिए देख रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल आपको कौन क्या ऑफर कर रहा है ना, अनलेस दे आर जेन्युइन डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, इट्स अ स्कैम, इट्स अ न्यू स्कैम, जहाँ पे ये आपको फेक जॉब देंगे,
फेक ऑफर देंगे और उल्टा आपसे मनी ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द स्कैम। सोशल मीडिया फायदेमंद भी है, हाँ मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया से आपको जॉब सर्चिंग में और बाकी सब जगह पे बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन ज़रूरत है आपको केयरफुल रहने की। आपकी एक मिस्टेक से आप स्कैम हो सकते हैं, आप ट्रैप्ड हो सकते हैं। सो सतर्क रहिए और बिल्कुल जो है सोच समझ के कुछ भी डेटा अपना सोशल मीडिया पे डालिए। जॉब सर्चिंग के लिए आपको ऑल द बेस्ट, जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। डोंट फॉल फॉर दिस स्कैम, ओके। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।